आईपीएल मैच नंबर 23/2024 पंजाब वर्सेस सनराइज हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो और बेहतरीन ग्राइंड के चार कॉम्बिनेशन में। दोस्तों पिछला प्रेडिक्शन आपने देख लिया, एक नंबर गया और भाई ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे, उनको यहाँ पे दिल से शुक्रिया। और उनको मैं दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा, उनको ऐसी बेहतरीन यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी और बेहतरीन यहाँ पे प्रेडिक्शन दोस्तों मिलता रहेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पे अगर बॉलिंग करेगी चेन्नई दोस्तों इस प्रकार आपको प्लेयर लेने और कैप्टन आपको तुषार देशपांडे, जडेजा और यहाँ पे गायकवाड़ आपको यहाँ पे ट्राई करना। और दोस्तों वही सेम वहाँ पे हुआ, दीपक चहर दोस्तों वहाँ पे नहीं खेल रहा था, तो दोस्तों वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों वहाँ पे अंदर आ गया। तो दोस्तों आज का प्रेडिक्शन भी ऐसे ही जाने वाला और एक तरफा दोस्तों मैच होने वाला, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो को भी दोस्तों स्किप नहीं करना का, वीडियो स्किप करते ही आपका यहाँ पे सारा गेम खराब हो जाएगा। आपको वीडियो सारी देखनी यहाँ पे और सारी चीज़ समझनी, तब जाके आप यहाँ पे खुद से ग्रैंड लीग की बेहतरीन टीम दोस्तों क्रिएट कर पाओगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आप सबसे पहले पंजाब और यहाँ पे हैदराबाद के मैच नंबर 23 के बारे में। वेन्यू की दोस्तों बात करूँ, वेन्यू आने वाला आपके यहाँ पे मुल्लापुर मोहाली स्टेडियम। एक मुकाबला दोस्तों यहाँ पे खेली थी दिल्ली के साथ पंजाब, और दोस्तों मुकाबला पे फोन किया था। तो दोस्तों ये जो पिच रहने वाली है थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच दोस्तों रहने वाली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली के लिए बैटर भी अच्छे दोस्तों होने चाहिए। जो यहाँ पे इसे बैटिंग फ्रेंडली दोस्तों बनाई हुआ दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच बॉलिंग पिच बन जाती है। पिच बैटिंग फ्रेंडली, वेदर थोड़ा क्लाउडी, एवरेज स्कोर 160, विनिंग चांस की बात करूँ पंजाब के 50% चांस और यहाँ पे सनराइज़ के भी 50% चांस मैच को वन करने के हैं। दोस्तों ये जो 50-50 का आंकड़ा है वो इसलिए है कि पिच को देखते हुए दोनों के पास ठीक ठाक बल्लेबाज है और हीटर दोनों के पास है, तो यानी कि मैच 50-50 जाएगा और दोनों तरफ से दोस्तों यहाँ पे बैटिंग होने के चांस रहने वाले हैं अगर दोस्तों यहाँ पे पिच सेम यूज कर दी गई। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था हमारा प्रेडिक्शन वहाँ पे खराब हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों कप्तान हमारे हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग दोस्तों नहीं करवाने का। अब देखो कि दोस्तों कल के मुकाबले क्या हुआ, डी मिचेल ऊपर खेलने आ गया दोस्तों, जो हमें नहीं पता था कि ऊपर खेलने, वहाँ पे हमने सोचा था कि यहाँ पे राणे खेलेगा। दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया, वरना दोस्तों एक तरफ यहाँ पे विनिंग होने वाली थी। तो दोस्तों सेम मैच हम पकड़ लेंगे अगर यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर रहा, तो डेफिनेटली मैच बहुत जबरदस्त हमारे जाने वाला। अगर मैं यहाँ पे हेड टू हेड के बारे में बात करूँ, दोनों के बीच 5 मुकाबले खेले गए, 2 मुकाबले दोस्तों पंजाब ने वोन किए और दोस्तों यहाँ पे 3 मुकाबले हैदराबाद ने वोन किए। दोस्तों यहाँ पे पंजाब का ग्राउंड रहने वाला, दोस्तों पंजाब यहाँ पे गेम में रह सकती है, 70% चांस पंजाब के मुझे लग रहे जीतने के, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 30% चांस जीतने के यहाँ पे हैदराबाद के भी हैं। अगर इनके बल्ला चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे दोस्तों मैच हो सकता है और एक जबरदस्त दोस्तों यहाँ पे टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे बॉलर थोड़े से पिट सकते हैं और यहाँ पे बल्लेबाजी चल सकती है, और मेरे हिसाब से बल्लेबाजी टीम दोस्तों बनाने में फायदा रहेगा। और एक टीम दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग के हिसाब से बनाएंगे, दोस्तों थोड़ा लो स्कोरिंग अगर मैच होता है, जैसे दोस्तों थोड़ा मौसम क्लाउडी है और नमी अगर पीछे में आती है, तो नमी के कारण दोस्तों वहाँ पे बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट दोस्तों हो सकता है। अगर मैं बात करूँ पंजाब की प्लेइंग 11 के बारे में, दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रह सकती है, यहाँ पे शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, पी सिंह, सैम करन, सिकंदर राजा, एस सिंह, जितेश शर्मा और ए शर्मा, एच बरार, हर्षल पटेल, कगिशोर रवाड़ा और यहाँ पे अर्षदीप सिंह। दोस्तों पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेली और दोस्तों मैच को वोन किया पंजाब ने, यहाँ पे शशांक सिंह और दोस्तों यहाँ पे ए शर्मा, दोस्तों आशुतोष शर्मा ने एक अच्छी पारी खेली और एक जबरदस्त दोस्तों यहाँ पे मैच को वोन किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रहने वाली है, टी हैड, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, ए समद, एच क्लासन, एन रेड्डी और यहाँ पे आपका ए समद और यहाँ पे पैट कमिंग, जयदेव नादकर, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, यहाँ पे टी नटराजन। दोस्तों यहाँ पे मयंक अग्रवाल दोस्तों बाहर है और यहाँ पे एन रेड्डी दोस्तों अंदर आया। हालांकि दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि ये ओपनिंग करेगा, लेकिन दोस्तों इसने ओपनिंग नहीं की, ओपनिंग यहाँ पे टी हेड और दोस्तों अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। अगर बैटिंग दोस्तों पिच रही तो दोस्तों सेम प्लेइंग 11 रहेगी, अगर थोड़ा सा दोस्तों पिच में मूवमेंट रही है, दोस्तों थोड़ी सी पिच बॉलिंग के हिसाब से रही, तो दोस्तों एक दो प्लेयर अंदर आएंगे जो डिफेंडिंग होंगे, यानी कि दो स्लो खेलते होंगे, यानी कि मयंक अग्रवाल दोस्तों अंदर आता है, तो दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पे पिच थोड़ी सी वहाँ पे स्लो हो सकती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे पंजाब की बॉलिंग की बात करें, तो इनके पास दोस्तों 5 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, हालांकि दोस्तों 6 हैं, लेकिन 5 के बारे में बात करेंगे। अर्षदीप सिंह और दोस्तों यहाँ पे सैम करन दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग करते नजर आएंगे, 3 नंबर में रबाड़ा, 4 पर हर्षल पटेल और यहाँ पे 5 पे बरार और 6 नंबर दोस्तों यहाँ पे ऑफ स्पिनर सिकंदर राजा दोस्तों बॉलिंग करता नजर आएगा। दोस्तों इस मैच के अकॉर्डिंग सिकंदर राजा परफेक्ट रहने वाला और दोस्तों यहाँ पे गेम में आने वाला, तो दिमाग में दोस्तों इसको रखना है यहाँ पे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, तो इनके पास यहाँ पे कम से कम 5 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे टी नटराजन पावर प्ले में बॉलिंग करते नजर आएंगे, 3 नंबर पैट कमिंग, 4 पर मयंक मार्कंडे, 5 पर जयदेव उनादकर दोस्तों बॉलिंग करते आपको नजर आएंगे और एक का आधा पर दोस्तों यहाँ पे एस एम दोस्तों फेंक सकता है, लेफ्ट आर्म दोस्तों ऑर्थोडॉक्स है। दोस्तों ये दोनों टीमों के यहाँ पे हमारी बॉलिंग ऑप्शन की बात होगी। अब बात करें यहाँ पे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो भी टीम दोस्तों यहाँ पे टॉस जीतते हैं यहाँ पे बैटिंग करना है दोस्तों फैसला कर सकती है। दोस्तों पहली टीम यहाँ पे बैटिंग करना काफ़ी अच्छा आसान रहेगा और यहाँ पे सेकंड टीम दोस्तों थोड़ा सा स्लो रहने वाला, लेकिन दोस्तों दोनों के पास अच्छे खासे हीटर हैं, तो दोनों तरफ दोस्तों बैटिंग होने के चांस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छा दोस्तों मैच जाने वाला और कम दोस्तों यहाँ पे विकेट गिरने के चांस रहने वाले। एक दोस्तों मैच इस प्रकार जाएगा और दोस्तों एक मैच यहाँ पे जा सकता है कि एक टीम दोस्तों यहाँ पे अपने सारे विकेट दे सकती है और एक टीम दोस्तों यहाँ पे अच्छा हाई स्कोरिंग मैच दोस्तों
बना सकती है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और 200 तक का स्कोर सेट करती है 5 से 6 विकेट के नुकसान पे, तो सेकंड टीम दोस्तों यहाँ पे 7-8 विकेट दे सकते हो, दोस्तों मैच को यहाँ पे हार सकती है और 170-180 तक दोस्तों मैच को खेल सकती है। तो दो तरह के मैच जाएंगे इससे दोस्तों, बाद मैच जाने वाला नहीं, कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस एक जबरदस्त रहने वाली। आज दोस्तों बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम के बारे में, बेहतरीन में दोस्तों टीम क्रिएट करते हैं 4। दोस्तों पंजाब से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे अगर पहले बैटिंग करते हैं शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, पी सिंह और दोस्तों सैम करन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक रहने वाला। दोस्तों यहाँ पे सिकंदर राजा दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला और यहाँ पे हर्षल पटेल दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के 5, 6 हर्षल पटेल और दोस्तों 7 यहाँ पे अर्षदीप सिंह, 7 दोस्तों प्लेयर इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक रहने वाले। दोस्तों जॉनी बेयरस्टो और पी सिंह में कैप्टन लगा लो यहाँ पे दोस्तों, पीसी अगर रिस्क चाहो दोस्तों लेना यहाँ पे आप ले लो अर्षदीप सिंह और या दोस्तों यहाँ पे सिकंदर राजा पे। दोस्तों पहले यहाँ पे 7 प्लेयर हमारे रहने वाले, 4 प्लेयर की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ से अभिषेक शर्मा और यहाँ पे दोस्तों टी हेड इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक रहने वाले, दोस्तों यहाँ से हमारे लिए दोस्तों भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट पिक और दोस्तों यहाँ से हम लेंगे एस अहमद अब्दुल समद दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक रहने वाला। पहली टीम दोस्तों हमारे यहाँ पे पंजाब के पक्ष में होगी। अगर पहले बैटिंग करती है हैदराबाद तो यहाँ पे टी हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम दोस्तों यहाँ पे और एच क्लासर इंपॉर्टेंट दोस्तों पिक रहने वाले और दोस्तों यहाँ से हम जो बॉलर लेंगे पैट कमी, भुवनेश्वर कुमार और दोस्तों यहाँ लेंगे हम जयदेव उनादकर दोस्तों कैप्टन। दोस्तों यहाँ पे टी हेड दोस्तों जबरदस्त पिक रहने वाला और पी सी के लिए ऑप्शन बताऊँ आपको यहाँ से एक बी सी पैट कमी और दोस्तों एक यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक बी सी आप पी सिंह ट्राई कर सकते हो। यहाँ से 4 प्लेयर की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ से आप 4 प्लेयर लोगे दोस्तों यहाँ से लोगे जितेश शर्मा, सिकंदर राजा, सैम करन और दोस्तों यहाँ से लोगे आप अर्षदीप सिंह। दोस्तों 2 टीम हमारी होगी यहाँ पे दोनों के पक्ष में। अब बात करते हैं बॉलिंग करते हैं मैच को अगर बॉलिंग करती हैं टीम में पंजाब बॉलिंग करती है तो दोस्तों अर्षदीप सिंह यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक, हर्षल पटेल, एच बरार और दोस्तों यहाँ से आप लोगे सिकंदर राजा 4 और यहाँ से 3 दोस्तों बैट्समैन लोगे ओपनिंग के, कैप्टन दोस्तों यहाँ पे एच पटेल ट्राई करोगे और दोस्तों यहाँ से वीसी ट्राई करोगे आप पी सिंह या जॉनी बेयरस्टो में से एक। दोस्तों यहाँ पे बेयरस्टो छोड़ के आप यहाँ पे धवन को ट्राई करोगे, वीसी धवन भी दोस्तों एक गेम में चल सकता है। दोस्तों यहाँ 4 प्लेयर की मैं बात करूँ यहाँ से दोस्तों आप जो पिक करने वाले एच क्लासन, एडम मार्करम 2, पैट कमिंग 3, दोस्तों यहाँ भुवनेश्वर कुमार 4 दोस्तों प्लेयर यहाँ पे रहने वाले, बेहतरीन दोस्तों टीम बनने वाली। अब बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद की, पहले बॉलिंग करते हैं मैच को ऑन करती है तो यहाँ पे टी नटराजन, जयदेव उनादकर 2, पैट कमिंग 3, भुवनेश्वर कुमार और दोस्तों मार्करम में से एक को ट्राई कर लेना आप यहाँ से टी हेड और यहाँ पे शर्मा और एडम मार्करम दोस्तों, मार्करम से दोस्तों एच क्लासन आप यहाँ पे ले सकते हो, दोनों के डिफरेंट में एक प्लेयर आप ले सकते हो। कैप्टन दोस्तों यहाँ से लगाओगे आप अभिषेक शर्मा, वीसी यहाँ पे पैट कमिंग या दोस्तों यहाँ से वीसी इधर से भी दोस्तों निकल सकता है प्लेयर जैसे सिकंदर राजा। दोस्तों यहाँ से 4 प्लेयर की बात करूँ मैं, राजा आपको लेना है, यहाँ पर सैम करन लेना, दोस्तों यहाँ से आपको लेना कर्किशोर रबाड़ा और यहाँ से शिखर धवन। दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 टीम होगी, बेहतरीन टीम होगी, गेम इनसे बाहर जाने वाले नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन इनके आसपास दोस्तों रहना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो फटाफट लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार वीडियो बेहतरीन ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में। तब तो दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।